Yeah, good afternoon. Today we are doing exercise 12.3 class 11th mathematics based on section formula. Two points of line segment. Line segment is AB, okay? And its two points are given whose location of A point is x1, y1, z1 and B is x2, y2, z2, right? There is another point P. In class 10th, we divided into M1 ratio M2, if you can see my class 10th videos. But here I am dividing in M ratio N. So P point jo hai beta given line segment ko M ratio N mein divide kar raha hai. To hume is P ke coordinate batane hai. Kyunki ye 3D ka section formula hai. To isme ek naya point bhi maine introduce kar diya hai, wo ki Z hai. तो ये वाला जो x होगा वो हो जाएगा mx2 plus nx1 whole divided by m plus n. ये ऐसे हो जाएगा mx2 plus nx1 whole divided by m plus n. ठीक है, ऐसे ही y हो जाएगा my2 plus ny1 whole divided by m plus n. और z हो जाएगा mz2 plus nz1 whole divided by m plus n. अब बेटा ध्यान रखना, ये जो केसेस हम 10th क्लास में पढ़ते आए हैं x और y आपको पता ही थे, ठीक है? यहां पर ये जो रेशियो m रेशियो n है और ये जो पॉइंट था हमारा p वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है a और b को. ये ध्यान रखना, ये इंटरनल डिवीजन का केस है. ये मैं बता दूं जो 10th क्लास में आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट में. और 11th में अब हम इसी से रिलेटेड एक नया फार्मूला पढ़ेंगे, उसमें जो P पॉइंट है एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ए बी को. तो एक्सटर्नल डिवीजन में जो फार्मूलाज हैं वो हो जाएंगे x हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन होल डिवाइडेड बाय एम माइनस एन. और जो y है वो हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन होल डिवाइडेड बाय एम माइनस एन. और ऐसे ही z हो जाएगा एम जेड टू माइनस एन जेड वन होल डिवाइडेड बाय एम माइनस एन. तो ये ध्यान रखना, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमारे मेन आएंगे, ठीक है ना? और अगर बेटा दिया होता है कि जैसे इंटरनल डिवीजन में दिया हो कि p जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का. अगर ये आपको गिवन है p मिड पॉइंट है ए बी का, तो आपको पता है m रेशो n क्या हो जाएगी, 1 रेशो 1 हो जाएगी. तो उस केस में x जो है वो हो जाएगा x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि m रेशो n 1 रेशो 1 का मतलब m भी 1 हो गया और n भी 1 हो गया. और y हो जाएगा y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2. और z हो जाएगा z1 प्लस z2 होल डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमारे पास रेशो के हिसाब से फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना आपने. तो क्लास अब आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन है, ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव एंड वन कॉमा माइनस फोर कॉमा सिक्स इन द रेशो टू रेशो थ्री इंटरनली एंड टू रेशो थ्री एक्सटर्नली. तो क्वेश्चन नंबर वन है क्लास, इसके लिए मैं फिगर बनाता हूँ इसका, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, फिगर अगर आपको इसका बनाना है तो एक बात का ध्यान में रखना है, इंटरनल एक्सटर्नल के लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं. और फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखे थे तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगा, ये ध्यान रखना. तो फिगर बनाते समय बस एक ध्यान रखना है कि ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए थे माइनस टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है वन कॉमा माइनस फोर कॉमा सिक्स. मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, और बी के जो हैं वो हैं एक्स टू वाई टू जेड टू. और ये कोई पॉइंट पी है मान लो, वो उसे टू रेशो थ्री में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट इंटरनल डिवीजन है तो यही फिगर होगा. और पी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं जो कि एक्स वाई जेड हैं, और इंटरनली का मतलब है एम जो है हमारा टू है और एन जो है वो हमारा थ्री है, ठीक है? ये ध्यान रखना है. तो आप करते हैं सॉल्व इसे. फॉर्मूले आपको पता ही हैं, x का मैंने पहले ही बताया था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन इंटरनल डिवीजन में, y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और z का एम जेड टू प्लस एन जेड वन होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन. तो क्लास अब इसे सॉल्व करते हैं. जैसा कि फॉर्मूले आपको पता है, अगर फॉर्मूले ना भी याद हो तो ये ऐसे होता है एम एक्स टू मतलब टू इंटू वन,
प्लस एन एक्स वन मतलब थ्री इंटू माइनस टू होल डिवाइडेड बाय होता है एम प्लस एन यानी कि टू प्लस थ्री, ठीक है। ऐसे ही वाई हो जाएगा एम वाई टू मतलब टू इंटू माइनस फोर प्लस एन वाई वन यानी कि थ्री इंटू थ्री होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा टू प्लस थ्री, ठीक है। और ऐसे ही जेड पूछा है वो होता है एम जेड टू यानी कि टू इंटू सिक्स प्लस एन जेड वन यानी कि थ्री इंटू फाइव होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन यानी कि टू प्लस थ्री। तो बेटा ये सॉल्व करो, टू इंटू वन टू हो गया, थ्री इंटू माइनस टू ये माइनस सिक्स हो गया, टू प्लस थ्री ये फाइव हो गया। यहाँ पर ये माइनस एट प्लस थ्री थ्री था नाइन और टू प्लस थ्री फाइव हो गया, और ये हो गया ट्वेल्व प्लस थ्री फाइव था फिफ्टीन अपॉन में टू प्लस थ्री फाइव हो गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस फोर बाय फाइव, वाई आ जाएगा नाइन माइनस एट यानी कि वन बाय फाइव, और जेड आ जाएगा ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन यानी कि 27/5। तो जो पी पॉइंट थे इंटरनल डिवीज़न में उसके कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ गए हैं, उसके कोऑर्डिनेट पी एक्स आया माइन ये हो जाएगा पी ब्रैकेट में माइनस फोर बाय फाइव कॉमा वन बाय फाइव कॉमा 27/5। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटर्नल डिवीज़न के केस में बस बीच में माइनस आ जाता है, राइट। तो फॉर्मूले हो जाते क्लास सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्स आ जाता है एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन होल डिवाइडेड बाय में एम माइनस एन, ठीक है। वाई आ जाता है एम वाई टू माइनस एन वाई वन होल डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, और जेड आ जाता है एम जेड टू माइनस एन जेड वन होल डिवाइडेड बाय में एम माइनस एन, ठीक है। तो डायरेक्टली सेम फिगर को यूज़ करते हुए, वैसे मैं यहीं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फिगर बार बार देखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन के मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। एक्स था एम एक्स टू, तो अब ऐसे हो जाएगा ना बेटा, सेम है टू इंटू वन वही रहेगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू माइनस टू होल डिवाइडेड बाय है टू प्लस थ्री। वाई था टू इंटू माइनस फोर, आप फिगर की हेल्प ले सकते हैं चाहें तो खुद, ठीक है, टू इंटू माइनस फोर फिर बीच में माइनस थ्री इंटू थ्री होल डिवाइडेड बाय टू प्लस थ्री, और जेड था हमारा टू इंटू सिक्स, बस बीच में माइनस आ जाएगा थ्री इंटू फाइव, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टू प्लस थ्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहले वाले को सॉल्व करते हैं, ये हो गया टू प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री टू द सिक्स मतलब ये एट अपॉन फाइव आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एट माइनस नाइन अपॉन में फाइव यानी कि माइनस 17/5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय 5 यानी कि ये माइनस 3/5 आ जाएगा। तो इसका मैं चलो क्यू मान लेता हूँ एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए पॉइंट जो था, ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्यू के आ गए 8/5 कॉमा माइनस 17/5 और माइनस 3/5, ठीक है। तो क्लास ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन करने से पहले पहले हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है क्या सेकेंड क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है गिवन दैट पी थ्री कॉमा टू कॉमा माइनस फोर एंड क्यू फाइव फोर माइनस सिक्स एंड आर नाइन एट माइनस टेन आर कोलिनियर, और अगर ये कोलिनियर हैं देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले तो ये जो भी आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये हमें कोलिनियर करने हैं। पहले मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। आप सभी को पता है पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो पी के पॉइंट दिए हुए हैं थ्री कॉमा टू कॉमा माइनस फोर, ठीक है। क्यू के जो पॉइंट है वो दिए हुए हैं फाइव कॉमा फोर कॉमा माइनस सिक्स, और आर के जो पॉइंट है वो दिए हुए हैं नाइन कॉमा एट कॉमा माइनस टेन। अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट कोलिनियर है तो हमें रेशियो निकालनी है, पर सबसे पहले देखो इसमें कोलिनियर प्रूव करने का अलग तरीका होता है। अगर आपको याद हो डिस्टेंस फार्मूला से जब हम कोलिनियर कर रहे थे तो हम पी क्यू निकालते थे, क्यू आर निकालते थे और पी आर निकालते थे, फिर पी आर जो है वो सम आता था किसका, पी क्यू और क्यू आर का। पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें रेशियो अननोन है, तो हम मान के चलते हैं, आपको याद हो जब भी रेशियो अननोन होती थी तो हम के रेशियो वन मानते थे, तो जो m रेशो n है उसे हमने k रेशो 1 माना है, और यहाँ लिख लेना लेट d रेशो b k रेशो 1। ये जो बीच वाले पॉइंट है इन्हें आप x y और z माने,
पी के जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप एक्स वन वाई वन और जेड वन माने, और आर के जो पॉइंट हैं उन्हें आप एक्स टू वाई टू और जेड टू माने। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। क्लास अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आपको पता ही है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगा रहा हूँ। एक्स हो जाएगा एम एक्स टू यानी कि के इंटू नाइन प्लस एन एक्स वन यानी कि वन इंटू थ्री होल डिवाइडेड बाय के प्लस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ एक तरीके से, और वो के की टर्म्स में निकाल रहा हूँ, और फिर उन्हें फाइव फोर और माइनस सिक्स से इक्वेट करूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो रेशियो तो मेरी यहीं से आ जाएगी, क्योंकि मुझे x का कोऑर्डिनेट पता है कि वो मेरा 5 है, राइट। तो x की जगह 5 लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 9k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से k की वैल्यू निकालिए, ये हो जाएगा 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3। तो 5k को राइट में ले जाइए, ये हो गया 9k माइनस 5k, और यहाँ से 5 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4k, मतलब के आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो रेशियो जो कि अननोन थी वो हमने के रेशियो 1 मानी थी, अगर आपको ध्यान हो तो 1/2 रेशियो 1 मतलब 1:2 आ जाएगी, राइट। अब हम जरा ये क्रॉस चेक करके देखते हैं कि हमारी बात कितनी सही है, कि 1:2 आई भी है या नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना है, वाई इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू वाई टू यानी कि के इंटू 8 प्लस एन इंटू वाई वन मतलब 1:2 होल डिवाइडेड बाय के प्लस 1। तो वाई हमारा आ जाएगा 8k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय के प्लस 1। तो अब वाई भी हमें दिया हुआ था, वाई हमारा 4 था अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। क्यू के कोऑर्डिनेट में जो वाई था वो हमारा 4 था, तो वाई की जगह 4 रखिए, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय के प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 8k प्लस 2। अब 4k को यहाँ ले जाइए और इस 2 को यहाँ ले जाइए, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8k माइनस 4k, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4k। तो देखिए सेम k आ रहा है 2/4 मतलब 1/2, पहले भी k 1/2 आ रहा था और रेशो थी k रेशो 1, मतलब यहाँ से प्रूव हो गया रेशो यहाँ भी 1/2 आ रही। अगर बेटा ये तीनों रेशो बराबर आ जाती हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है पॉइंट्स कोलिनियर है और रेशो भी 1:2 होगी। बस अब z के लिए वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। z था हमारा m इंटू जेड टू मतलब k इंटू माइनस 10 प्लस n इंटू जेड 1, ठीक है। n था हमारा 1 और जेड 1 था माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय के प्लस 1। तो जो z है वो आ जाएगा माइनस 10k माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय के प्लस 1, और z की जगह क्या है, z की जगह है माइनस 6। तो माइनस 6 इक्वल टू है माइनस 10k माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय के प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 10k माइनस 4। माइनस 10k को यहाँ लाइए, माइनस 6 को यहाँ लाइए, ये हो जाएगा माइनस 6k प्लस 10k इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6 विच इज़ 2, और 10k माइनस 6k इज़ 4k। तो ये हो जाएगा k आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो आपने देखा k की वैल्यू हर बार 1/2 आ रही है, इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, P, Q एंड R तीनों पॉइंट जो हैं वो हमारे कोलिनियर हैं, ये आपने देखा। और अगर आपसे रेशो पूछी जाए कि भाई क्यू पॉइंट पी आर को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशो थी 1:2, राइट। तो रेशो थी, आई रिपीट, 1:2। तो क्यू पॉइंट डिवाइड्स पी आर इंटू 1:2, ठीक है ना क्लास। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था बट डिफरेंट था, ठीक है। ऐसे आपने रेशो वाले की, मुझे पता है कोलिनियर आपने बहुत तरीकों से किया 10th क्लास में, पर ये एक नया तरीका सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर करने का, ठीक है। इसके बाद क्लास थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 4, 7 एंड 3, -5, 8, ठीक है। क्वेश्चन आप प्लीज एनसीईआरटी कैरी कीजिए अपने साथ, पेज नंबर 277 है एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी हमेशा कैरी कीजिए, ठीक है ना। तो क्लास ये भी रेशो का क्वेश्चन है, पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ। वाई जेड प्लेन जो है डिवाइड कर रहा है, वाई जेड प्लेन डिवाइड कर रहा है मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए हुए हैं -2, 4, 7
और यहाँ पर बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -3, -3, -5, 8, ठीक है ना। तो बेटा आपको पता है इन्हें देना है आपने एक्स वन वाई वन जेड वन और इन्हें देना है एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है मान लीजिए क्यू, ये डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वाई जेड प्लेन था तभी इसका जो एक्स है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन में आपको पता है एक जीरो होता है और रेशो हमें निकालनी है। अब रेशो जब भी निकालनी है आपको ये बात पता है कि रेशो एन होती है, ठीक सॉरी एम रेशो एन तो होती है पर रेशो के रेशो वन मानते हैं हम, तो एम हमारा हो जाएगा के और एन हमारा हो जाएगा वन, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो वो क्लास फॉर्मूले ऑलरेडी आपको पता ही है, रेशो तो सिर्फ एक्स वाली वैल्यू से ही आ जाएगी, वाई और जेड सॉल्व ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला है वो हम एक्स इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। एक्स का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ इस बार, एक्स और लेट कर लेना भाई, लेट द रेशो भी के रेशो वन, जब भी रेशो वाला क्वेश्चन अननोन हो, रेशो अननोन हो तो रेशो को के रेशो वन मानना है, ठीक है। तो बेटा एक्स इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। एक्स की जगह जीरो है क्योंकि वाई जेड प्लेन में था, आपको पता ही है, ठीक है, इसी वजह से एक्स की जगह जीरो है। एम की जगह के, एक्स टू की जगह थ्री, एन की जगह पर है वन और एक्स वन की जगह पर है -2 होल डिवाइडेड बाय में एम प्लस एन मतलब के प्लस वन। अब इसे सॉल्व कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जीरो की करोगे के प्लस वन से जीरो आ जाएगा और न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई होके 3k-2 बन जाएगा, -2 को ले आओ लेफ्ट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3k और k आ जाएगा 2/3। आपको पता है रेशो क्या थी, रेशो थी के रेशो वन थी रेशो, ठीक है। के रेशो वन का मतलब है 2/3:1, मतलब रेशो है 2:3, तो उन्होंने सिर्फ इसमें रेशो पूछी थी, रेशो हमारी 2:3 आ गई। तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वाई जेड प्लेन है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को किस में, इंटू 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है क्लास। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, फिर से कोलिनियर का क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप होमवर्क में ट्राई करें ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे तीन पॉइंट्स हमें गिवन है, ए बी सी लिखो, ठीक है ना, जैसे हमने ये सेम है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ, यूजिंग सेक्शन फार्मूला शो दैट थ्री पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और आपको ये प्रूव करना है कोलिनियर है। तो बिल्कुल वैसे ही करोगे बेटा, एक्स वाई और जेड निकालोगे के एक ही टर्म में, राइट, और आपको पता ही है कि बी पॉइंट बीच में आएगा, वो बी के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड की जगह रखोगे। तो ये वाला मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, इसका भी हम वीडियो बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पी के कोऑर्डिनेट है 4, 2, -6 और क्यू के कोऑर्डिनेट है 10, -16, 6। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। फिगर में ध्यान से देखिए, पी जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 2, -6 और बी जिसके कोऑर्डिनेट है 10, -16, 6। पी के जो कोऑर्डिनेट है इन्हें आप ले लीजिए x1, y1, z1 और बी के जो कोऑर्डिनेट है उन्हें ले लीजिए x2। अच्छा पी है तो बी नहीं होगा, क्यू लिया हुआ, राइट, और इसका ए पॉइंट ये ट्राइसेक्ट कर रहा है बेटा, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, याद करिए 10th में भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए, तो मतलब तीन इक्वल पार्ट का मतलब है ये ए और बी हो गए और ये रेशो ऐसे 1:1:1 है। फिर हम क्या करेंगे, अगर आपको 10th क्लास का याद है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है, ठीक है। इस फिगर से हम दो और फिगर बनाएंगे, एक बार रेशो 1:2 लेंगे और एक बार रेशो 2:1 लेंगे। तो देखिए पहले फिगर से मैंने कैसे उसका सिंप्लीफाइड फिगर मैं बना रहा हूँ, पी है 4, 2, -6। अगर आप ए को ले रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ पर ये क्यू है, क्यू के कोऑर्डिनेट है 10, -16, 6। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर m आ रहा है हमारा 1 और n आ रहा है हमारा 2 और a के कोऑर्डिनेट को मैंने एक्स वाई जेड माना है, p के कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1, z1 माने हैं और q के कोऑर्डिनेट मैंने x2, y2 और z2 माने हैं, राइट। तो अब हमें a के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्लास ध्यान से देखिए, फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा अब तक। तो a के हो जाएंगे m इंटू x2 मतलब 1 इंटू में 10, ठीक है, प्लस एन इंटू ये 1:2 था,
प्लस एन इंटू में एक्स वन मतलब टू इंटू में फोर, तो ये टू इंटू में फोर होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन मतलब वन प्लस टू, ठीक है। अब वाई निकालते हैं, वाई होगा एम इंटू वाई टू मतलब वन इंटू माइनस सिक्सटीन प्लस एन इंटू वाई वन मतलब टू इंटू टू होल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन मतलब होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टू। और ऐसे ही जेड निकालते हैं, वो हो जाएगा एम इंटू जेड टू मतलब वन इंटू सिक्स प्लस एन इंटू जेड वन मतलब टू इंटू माइनस सिक्स होल डिवाइडेड बाय में हो जाएगा वन प्लस टू हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए ये आ जाएगा टेन प्लस टू फोर द एट और वन प्लस टू हो गया थ्री, और वाई आ गया माइनस सिक्सटीन प्लस फोर होल डिवाइडेड बाय थ्री, और जेड आ गया सिक्स, ये कितना था पॉजिटिव सिक्स ही था जेड टू, राइट। तो ये आ गया सिक्स प्लस ट्वेल्व होल डिवाइडेड बाय में थ्री, तो ये हो गया एटीन बाय थ्री विच इज़ सिक्स, ये आ गया माइनस ट्वेल्व बाय थ्री विच इज़ माइनस फोर, और ये आ गया एटीन बाय थ्री विच इज़ सिक्स। तो ए के जो कोऑर्डिनेट अननोन थे वो आ गए सिक्स कॉमा माइनस फोर कॉमा सिक्स, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ कुछ साइन की हमें गड़बड़ लग रही है, ये एक सेकेंड, टू इंटू ये माइनस सिक्स था बेटा, सिक्स नहीं था माइनस सिक्स था, तो ये सिक्स माइनस ट्वेल्व हो गया माइनस सिक्स, माइनस सिक्स बाय थ्री हो गया माइनस टू। तो ये वाला जो पॉइंट है जेड वाला हमारा माइनस टू आ रहा है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट ए के आ गए सिक्स कॉमा माइनस फोर कॉमा माइनस टू। अब सेम फर्स्ट वाले फिगर पे फोकस करो, अभी तो मैंने वन रेशो टू के हिसाब से किया था, अब मैं टू रेशो वन के हिसाब से करूँगा। तो जो मेन फर्स्ट फिगर था उसी का मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें पी है मेरे पास फोर टू और माइनस सिक्स, क्यू है मेरे पास टेन माइनस सिक्सटीन और सिक्स, यहाँ बी के पॉइंट मेरे अननोन है। अब इस बार मैं इन्हें एक्स वाई जेड की बजाय एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश मान रहा हूँ, और एम है बेटा हमारा इस बार टू हो गया एम, और एन कितना हो गया, एन हमारा वन हो गया, राइट। ये जो है ये एक्स वन वाई वन जेड वन है, और ये जो है वो एक्स टू वाई टू जेड टू है। तो एक्स डैश निकालते हैं, फॉर्मूला वही सेम है, देखो एम इंटू एक्स टू मतलब टू इंटू टेन प्लस एन इंटू एक्स वन मतलब वन इंटू फोर होल डिवाइडेड बाय एम प्लस वन, और ऐसे ही वाई डैश निकालते हैं, एम इंटू वाई टू मतलब टू इंटू माइनस सिक्सटीन प्लस एन इंटू वाई वन मतलब वन इंटू में टू होल डिवाइडेड बाय टू प्लस वन, ठीक है। और जेड डैश देखिए, एम इंटू जेड टू मतलब टू इंटू सिक्स प्लस एन इंटू जेड वन मतलब वन इंटू माइनस सिक्स होल डिवाइडेड बाय टू प्लस वन। तो बेटा एक्स डैश आ गया, ये आ गया ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बाय थ्री, ये एट आ गया, और ऐसे वाई डैश आ गया माइनस थर्टी टू प्लस टू मतलब माइनस थर्टी बाय थ्री मतलब माइनस टेन आ गया, और ये आ गया ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर यानी कि माइनस ट्वेल्व बाय थ्री यानी कि माइनस फोर। तो जो बी है उसके कोऑर्डिनेट आ गए एट माइनस टेन और माइनस फोर, एट माइनस टेन ये ज़रा चेक करो, बारह है माइनस छः, बारह माइनस छः छः हो गया, छः बाय तीन है, ओके छः बाय तीन तो बेटा टू होगा, तो ये प्लस टू आया, राइट, ठीक है। तो ये वाला सही कर लेना। तो फाइनल कोऑर्डिनेट अगर देखें आप ए और बी के, ए के आए थे सिक्स कॉमा माइनस फोर कॉमा माइनस टू, और बी के आए हैं बेटा एट कॉमा माइनस टेन कॉमा प्लस टू। तो क्लास दिस वॉज द वीडियोग्राफी ऑफ एक्सरसाइज 12.3। अगर आपको इनमें से कोई भी पिक्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।